फिर अभी भी क्या मार्केट के अंदर खतरा है या मार्केट के अंदर खुशी का लहर आने वाले सो चलो तो फटाफट देख लेते हैं कुछ अपडेट कुछ न्यूज जिसके वजह से आपको आइडिया हो सकता है कल का मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। दोस्तों मेरे को लगा दोस्तों मार्केट के अंदर खुशी का लहर आने वाला है ऐसा उम्मीद है। दोस्तों सबसे पहले जो डाटा है दोस्तों आप चेक कर लीजिए FIS का जो सेलिंग है दोस्तों पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है दोस्तों देखिए 1403 करोड़ का आसपास है दोस्तों और DIS का बाइंग उससे बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों देखिए FIS का साथ कंपेयर करेगा दोस्तों ये देखिए दोस्तों DIS का दोस्तों आपके सामने जो डाटा है दोस्तों 2330 करोड़ से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे DIS का बाइंग हुआ है दोस्तों जहाँ पे यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत मेरे ख्याल से लग रहा है। मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों DIS और FIS का दोस्तों अभी तक का जो दोस्तों मेरे पास डाटा है ग्लोबल मार्केट का संकेत है डाउ जोन्स फ्यूचर का अंदर देखिए हल्की सी गिरावट है SP 500 के अंदर हल्की सी गिरावट है NASDAQ के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट अभी तक का देखने को मिला देखता है रात में क्या निकल के आ चुके हैं देखिए अमेरिकन बाजार पर रहेगा नजर क्योंकि आज अमेरिकन बाजार किस नंबर पे क्लोजिंग देता है उसके ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा गिरावट आएगा तो कल मार्केट के लिए दिक्कत हो सकता है। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिला देखिए दोस्तों 23,250 से 23,350 के बीच दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं निफ्टी रुकावट कर सकते हैं ऊपर में दोस्तों देखिए 23,600 से 23,675 रुपया तक दोस्तों आपको यहाँ पे इस लेवल को आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों जहाँ पर आप लोग बैंक निफ्टी का बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों 49,950 के 50 से 75,000 रुपया तक का यहाँ पे आपको एक लेवल देखने को मिला है सपोर्ट लेवल देखने को मिला है। दोस्तों उसके साथ हम लोग बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर कल मार्केट बहुत ही हद तक गिर सकते हैं तो दोस्तों अगर निफ्टी 23,050 के नीचे जाएगा दोस्तों बहुत बड़ा कमजोरी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर 23,600 के ऊपर जाएगा तो दोस्तों मार्केट के अंदर मजबूती आ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों देखिए दोस्तों हम लोग अगर बारे में बात करते हैं बैंक निफ्टी का इस लेवल के बारे में आपको ध्यान पे रखना चाहिए इस लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कल का मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो सकता है मार्केट से थोड़ा सा बाइंग लेवल बढ़ सकते हो तो आपके लिए मेरे ख्याल से खुशी का लहर आ भी सकता है। दोस्तों अगर आज मार्केट के अंदर कोई गड़बड़ ना होगा रात के अंदर मतलब ग्लोबल मार्केट से अगर कोई गड़बड़ी नहीं आएगा तो कल का मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है उम्मीद है दोस्तों इतना।